हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में अभी भर्ती चली है, प्रक्रिया चली है सहायक अध्यापकों की, और ऐसे में जो है यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रिक्त पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो फाइनली जो है यहाँ पर अब आपके पद जो है रिक्त बढ़ सकते हैं। इसके लिए जो है शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिया गया है। जो यहाँ पर शिक्षा निदेशक हैं उनको यहाँ पर जो है जितने भी पद रिक्त होते हैं या होने वाले हैं तो उन सभी के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने और कैसे जो है आपके बढ़ सकते हैं पद। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो है प्रदेश में बढ़ सकते हैं यहाँ पर शिक्षक के पद। तो यहाँ पर जो है शिक्षक के पद हैं जो वर्तमान समय भर्ती प्रक्रिया अभी चली हुई है उस पर जो है शिक्षक के पद बढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बीएड अभ्यर्थियों ने काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और फाइनली जो है कल शिक्षा मंत्री से मिले और उन्होंने यहाँ पर इस संबंध में क्या कहा, देखिए। प्रदेश में जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती के पद बढ़ सकते हैं और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बृहस्पतिवार को यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल को यहाँ पर जो है शिक्षकों के खाली पदों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। तो जितने भी पद खाली हैं उनकी समीक्षा का निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। अब क्या होगा कि उन पदों पर जो है चेकिंग होगी कि कितने पद यहाँ भी अभी भी खाली हैं या नहीं हैं। अगर होंगे तो हो सकता है कि आपके पद जो है बढ़ जाएँ, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर जो है उसके भी अपडेट आ जाएगी। तो वहीं यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि 2022 तक जो है कितने शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कितने शिक्षक जो है पदोन्नत हो रहे हैं इसकी जो है समीक्षा की जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिक्षक 2022 में रिक्त यानी कि प्रमोशन हो सकते हैं जिनके, या जिनका यहाँ पर जो है सेवानिवृत्त हो सकते हैं, तो उनके पद भी जो है सम्मिलित करने के लिए यहाँ पर जो है निर्देश दिए हैं। तो वो चेकिंग होगी कि पद खाली हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सेवानिवृत्त तो हर साल होते रहते हैं, ठीक है ना। पदोन्नति का जो है कंफर्म नहीं होता कितने के हो रहे हैं कितने के नहीं हो रहे हैं, तो वो भी लगभग जो है चेकिंग चल रही है पदोन्नति को लेकर भी। अभी कितने ही लोग के हुए हैं वो भी चेक किया जाएगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 100-150 लोगों के ये है पदोन्नति भी हो चुके हैं, वो है हेड बन चुके हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ पोस्ट जो है खाली हो जाए सहायक अध्यापक के। तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो सेवानिवृत्त होने वाले 2022 में उनके पद भी यहाँ पर रिक्त मानते हुए उनके पदों की भर्ती भी हो सकती है। तो शिक्षा मंत्री ने जो है आदेश जारी कर दिए हैं और जल्दी जो है यहाँ पर इसकी समीक्षा कंप्लीट होने के बाद एक आदेश जारी कर सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर जो है पद बढ़ जाए, क्योंकि बीएड वाले जो है काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर पद बढ़ाने को लेकर, और ये संघर्ष जो है जारी होना चाहिए तभी यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर पद बढ़ा दें और इससे जो है यहाँ पर बीएड वालों को फ़ायदा होगा जिनका यहाँ पर नंबर नहीं आएगा मैं प्राइमरी लेवल में, क्योंकि ये बात चल रही है आपकी सहायक अध्यापक बेसिक की, तो उनका नंबर हो सकता है कि पद बढ़ने की वजह से यहाँ पर आ जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है पद बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं।